प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना दे और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो प्रेम मंडी भाई, एक बात बहुत जरूरी कहूंगा, मैं बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में बात करूंगा आपसे कि इश्क दुनिया में सिर्फ दो ही हुए, तीन इश्क हुए, एक इश्क हकीकी, एक इश्क मजाजी। हकीकी इश्क उस रब से, उस ब्रह्म से, और मजाजी दुनिया से, दुनिया में किसी से भी मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, तो वो इश्क मजाजी और वो इश्क हकीकी। अब अगर इश्क मजाजी है आप, अब कभी जीवन में परिवर्तन होना हो तो सिर्फ सर्किट ही बदलनी होती है, मजाजी को हकीकी में लगाना है। और जब वो लग जाता है, कोई इस राह में लग के देखे, मैं कहता हूं यकीन से कि उसका जीवन सार्थक हो गया, वो जीवन में कामयाब हो गया, उसका पैदा होना सफल, वरना कब तो आया इन, कब दुनिया से चले गए। तो अब तुलसी जी अपनी धर्मपत्नी से मिलने के लिए जा रहे, और किस प्रकार जा रहे, और पहले एक अपील की, पहले वो एक दर्द भरी पुकार उनके मन से निकली, ये मानी सुनी जी लोग होते हैं। रवाना होने से पहले उनके मन से एक भूख उठी, सुन मालिका मेरी हुक पपी है वाली, सुन दातिया मेरी हुक पपी है वाली, लाई मैं सदा मेरी हुक पपी है वाली, सुन दातिया मेरी हुक पपी है वाली, वाणी। तो तुलसी जी अपनी पत्नी के वियोग में मिलने के लिए निकले, किस प्रकार, ले गमछा गले में डाल, ले गमछा गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल,
भाई साहब अपने घर की जो सत्संग थी उसके जितने भी वीडियो यूट्यूब पर आए, आप यकीन करें सबके सब सफल हो गए। देखा एक वो जो अपन ने वो गया वो भी देखा मैंने, हाँ ओम जी नहीं किया उसको, सारे सफल हो गए। महेंद्र जी कुशल जी का भी बहुत अच्छा हुआ, मैंने देखा उसको, ये भाग्यशाली आदमी है। तो अब तुलसी जी पहुंचे उस तरफ और अपने ससुराल रात्रि के 1-2 बजे का समय रहा, वहां तब पहुंचे तो जाकर के वहां पे आवाजें दे रहे, आवाजें कहीं से नहीं आ रही। तो हो बाहर जाकर हंकार, बाहर जाकर हंकार, वहां कौन सुने बंद हो रहे सभी की वाणी, वहां कौन सुने बंद हो रहे सभी की वाणी। अब एक रास्ता दिखा उनकी धर्मपत्नी की, रूम के नीचे से एक रस्सी लटकती हुई दिखी, वो समझ रास लियो पकड़ सांप, समझ रास लियो पकड़ सांप, चट गए अटारी रे, समझ रास लियो पकड़ सांप, चट गए अटारी रे, प्यारे लगे ना प्राण पान से प्यारी नारी रे, ले जगन में दाल तुलसी जी चले ससुराल, तुलसी जी चले ससुराल। धर्मपत्नी के कक्ष में पहुंच गए, पत्नी ने पत्नी को उठाया, पत्नी ने अचरज किया, हे पतिदेव इस काली अंधेरी रात में, इस तूफानी रात में आप यहां पर कैसे आए, और आए तो किस प्रकार आए, दरवाजे सभी बंद हैं। तो तुलसी जी ने कहा कि हे प्रिय तुमने जो रस्सी टांग रखी थी वो रस्सी पकड़ के मैं चढ़ के आया हूं, जैसे बिजली चमकी देखा कि वो रस्सी नहीं थी, वो कालंदार सांप था। प्रेम में ये भी पता नहीं लगता, ये दीवान की अगर हो तो दीवान की ऐसी ऐसी। अब धर्मपत्नी बोली, तुम कैसे आए स्वामी, तुम कैसे आए स्वामी, तुम इतने क्यों बन गए काम के स्वामी, प्रीत वही सच्चा मी, और प्रभु से प्रीत वही सच्चा मी, पर अचरज भारी है, और प्रभु से प्रीत वही सच्चा मी, पर अचरज भारी है, प्यारे लगे ना प्राण प्राण से प्यारी नारी है। Yeah.
बनी और तुम इतने क्यों बन गए काम के चामी, करो प्रभु से प्रीत। हे पतिदेव, जितना प्रेम तुमने मुझसे किया उतना अगर तुम भगवान से करते तो भगवान तुम्हें प्राप्ति हो जाती है। करो प्रभु से प्रीत, वही सच्चा नहीं, वही सच्चा नहीं। शायद गजेंद्र जी आज ये प्रथम अवसर होगा जो हम लोग मिले, प्रथम ही है मेरे ख्याल से। लाखों के आप पधार देनी है। वही तो कह रहा हूं, ये आज उन लोगों के बीच में मैं हूं जो लौकिया नहीं आते, ताकि ये भी बाकी नहीं रहे। तो पत्नी बोली कि करो प्रभु से प्रीत, वही सच्चा मी। पर अचरज भारी है। अब आप अब्दुल से जी को चेता आया। अब देखेगा जीवन में आदमी के यूटर्न कब आता है, कब बदलाव आता है, कब परिवर्तन हो जाता है। अब मैं इस पूरी राम सभा से ये निवेदन करूं कि तुलसी जी के गुरु कौन हुए, तुलसी जी के गुरु कौन हुए? धर्म पत्नी। क्या बात है, क्या बात है, बाप जी को तो पूरा ब्रह्मांड। तो तुलसी जी दास जी उस समय बोले, अरे सोते से मुझे जगाया, सोते से मुझे जगाया, तुम गुरु मेरी तुमने ही ज्ञान सिखाया, तुम गुरु मेरी तुमने ही ज्ञान सिखाया, तुमने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, तुमने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू महाकाली है, अब तू मेरी माँ है। तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू महाकारी है, प्यारे लगे ना प्राण, प्राण से प्यारी नारी है। ले चले बेटा तुलसी जी चले ससुराल, कम चले बेटा तुलसी जी चले ससुराल। नैनाराम जी देवासी, राव साहब सभी बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा। तुलसीदास जी देखिए, नाम परिवर्तन हो जाता व्यक्ति का। उस समय तुलसी जी थे, अब वहां से सीधे तुलसी जी चले और कहां आए, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक करे भगवान राम से प्रीति लगा दी। और जब शब्द प्रदान, उन जो ऐसा शब्द प्रदान भगवान श्री राम से जब मिले, दर्शन प्राप्त हुए, तो भगवान से एक बात कही तुलसी जी ने,
तुमसे मिलना बातें करना, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है, जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। रामायण जी की रचना की वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी ने, मगर उसका सरलीकरण जो किया वो किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। और जब गंगा की घाट पे आए तो आते ही सबसे पहले जो लिखा वो ये लिखा, लेकिन एक वो आदमी जो अपनी पत्नी के प्रेम में लाश को नाव समझ करके पार कर जाने वाला, रस्सी को सांप, सांप को रस्सी समझ के चढ़ जाने वाला, पत्नी के प्रेम में पागल, अब क्या लिख रहा है? हो मंगल भावनी अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। एक राम दशरथ घर डोले और एक राम घटघट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से ही न्यारा। तो कितने राम हो गए? ये बोलता पुरुष राम है क्यों बाबू जी? बोलो।
साल हो गए, ये स्कूल के अंदर था, वो कुलदीप पूजा भी था उसमें, महाराणा प्रताप स्कूल में, क्या बात। फिर आप थे ना, ओम साहब अपन साथ ही तो थे सरकार, कुशल जी और ओम साहब। तो प्रेम होना चाहिए, तो हो इसकी कोई गरिमा को महिमा को समझे व्यक्ति उसके जीवन का उतार हो गया। राम कृष्ण से कौन बड़े, वे भी गुरु गम कीन, तीन लोक के वे धनी पर गुरु आगे आधी। तो गाते भी हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, और अंत में यही आएगा काम। इसलिए मित्रों, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।
हाँ।